मुझ में तुझे सब मानते हैं, तेरा दर जानते हैं, तुझे सब मानते हैं, तेरा दर जानते हैं, चले आते हैं थोड़े हक कुछ किस्मत है थोड़े हक हर रानी की मंजिल हक हर बस्ती का साहिल हक से सबने संभाला हक से तूने संभाला जिसे सबने संभाला दीवाना तेरा आया बाबा के ऐ अजब तरीका सामान तेरी शिरडी में आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में आए जितने तेरी शिरडी में काम सबके हुए आसान तेरी शिरडी में मीठी मीठी तालियों के साथ मिल मुझको मेरे बाबा भर
कि अपने चरणों से जुदा करके तमाशा ना बना। कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं, बाबा से दुआ कर रहे, रोते जाते हैं कि बाबा हमारी मुराद पूरी कर लो, बाबा परीक्षा लेने लगते हैं, थोड़ा इंतजार करवाते हैं। तो भक्त बाबा से कहता है कि अपने चरणों से जुदा करके तमाशा न बना, वरना ये दुनिया वाले कहेंगे किसके पास गए थे, देखो साई साई करते थे और तुम्हारी तो अभी तक अरदास पूरी नहीं हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा सबकी सुनते हैं और क्या कहते हैं, यूं तो हजारों मंजर देखे हैं हंसी मैंने, 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 दिल में सकून पाया रे बाबा, बाबा से कह रहे हैं क्या, बाबा तुम थोड़ी जैसा सोचता है वो वैसे ही होने लगता है। हालांकि हम भगवान से अपनी अंतर्यात्मा के लिए कहते हैं कि भगवान हम पापी हैं, हमें तारो, हमसे हमेशा गुनाह होते हैं, हमें अच्छा करो। लेकिन ये भी भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि जो इंसान अपने लिए गलत सोचता है, हमेशा ही कहता मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, तो फिर बेचारा वो पापी हो जाता है। कहते ना निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। अगर आपसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। तो आज अगर कोई भूल आपसे हुई है और हमसे कोई भूल हुई है तो बाबा से मांगकर क्या कहेंगे, हम पापी